फटी पुरानी खबरों में आपका खुशामदीद। अभी अभी खबर आई है कि जेम्स गन की नई सुपरमैन फिल्म में डेविड कॉन्सवेट को कास्ट कर लिया गया है। जिन जिन लोगों को डेविड को चड्डी में देखने का शौक था, उनकी मुराद जल्द पूरी होगी। सुपरमैन के साथ साथ उसकी फुलझड़ी को भी कास्ट कर लिया गया है। फुलझड़ी का रोल रेचल ब्रॉसनेहन करेंगी। अब डेली प्लैनेट से मेरी तरह झूठी खबरें वही सुनाया करेंगी। दूसरी जानेब ट्राइम्फ ने अपनी नई फटफटी स्पीड 400 के फोटो जारी किए हैं। नई फटफटी भारतीय नौजवान लॉन्डों के लिए 5 जुलाई के बाद से अवेलेबल होगी और पाकिस्तानी नौजवान लॉन्डे सिर्फ फोटो देख के गुजारा करेंगे, क्योंकि ट्राइम्फ का कोई शोरूम मुल्क में मौजूद नहीं है, या फिर किसी मामे या चाचे की हेल्प से इम्पोर्ट करवानी पड़ेगी। उधर कनाडा के जंगलों में लगी आग की वजह से कई अमरीकी शहर बारबेक्यू बने हुए हैं। लोग मुफ्त की हवा के बजाय मुफ्त का धुआं खा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर ये धुआं ज़्यादा खाएंगे तो बदहजमी हो जाएगी, और एक बार फिर फार्मा इंडस्ट्री उनका इलाज करके पैसे कमा के बहुत खुश होगी। खबर के मुताबिक कनाडा के शहर कैलगरी में शदीद गर्मियाँ आने वाली हैं। गर्मियों का अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमाए मौसमियात का कहना है कि अगले चंद दिन शदीद गर्म होंगे। शहरियों को मोहतात रहने का कहा गया है और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए कहा गया है। खबर के मुताबिक जिस गर्मी में गोरे सड़ रहे हैं, देसी उसी में कंबल ओढ़ के सो रहे हैं और सर्दियों से थर थर कांप रहे हैं। आज की फटी पुरानी खबरें बस इतनी ही। अगली बार मजीद फटी पुरानी खबरें लेकर हाजिर होऊंगा।